आवाज़ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ बनवारी लाल। मौसम विभाग को देखते हुए आगरा में 45 डिग्री सेल्सियस तापमान व स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ग्रामीण व शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए आगरा अरुण श्रीवास्तव जी से खास बातचीत। देखिए, करीब एक माह पूर्व से ही इस बात का क्या लगाया जा रहा था कि इस वर्ष गर्मी कुछ ज़्यादा पड़ेगी। इसके लिए राष्ट्रीय आपदा और राज्य आपदा द्वारा विशेष रूप से कई निर्देश जारी किए गए थे, जिसके अंतर्गत हम लोग ने प्रचार प्रसार के साथ प्रशिक्षण और अन्य कार्य को भी अपने चिकित्सा जितने भी प्रतिष्ठानों को पूर्ण रूप से सुसज्जित कर रखा था कि इस तरह की कोई भी आपदा अगर आती है तो उसको हम लोग पूरी तरह देख पाए। इसको देखते हुए जो निर्देश जारी किए गए थे उसमें के आधार पर हम लोग ने विभिन्न जो लोग हैं, चाहे स्वयंसेवी संस्थाएं हो, विभिन्न एसोसिएशन IMA हो, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हो, व्यापार मंडल हो, इनसे सहयोग भी मांगा था और इन लोगों को इस बारे में अवेयर भी कराया गया था। इसके अतिरिक्त सारे विभागों के साथ एक गोष्ठी भी हुई थी। सारे विभागों की जिम्मेदारी खासतौर से जैसे नगर निगम कोशिया शीतल पेय की व्यवस्था या छायादार जगहों की स्थान की व्यवस्था किए जाने के निर्देश जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त हमारे चिकित्सा प्रतिष्ठानों में सब जगह कोल्ड रूम की व्यवस्था की गई है, मिनिमम 20 आइस पैक्स रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त बैठने की जगह में कूलर या AC की व्यवस्था की गई है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से आता है और गर्मी में या किसी तरह की उसको दिक्कत होती तत्काल उसको उपचार मिल पाए। साथ साथ हमारे जो नेशनल विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे वो IBSK के माध्यम से स्कूलों में जाना हो, आंगनबाड़ियों में जाना हो, अथवा संचारी रोग दस्तक के माध्यम में आशाओं द्वारा घर घर में भ्रमण किया जा रहा है, इसमें भी लू के बारे में लोगों को लगातार अवेयर किया जा रहा है। और विभिन्न आप लोगों के जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को लगातार अवेयर कर रहे हैं। और जिस तरह का टेम्परेचर आगरा में विगत 2 दिनों में देखने को मिला है, ये बहुत ही अलार्मिंग है और 47 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुँच रहा है। ताजमहल में भी विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि बहुत दूर से यहाँ पे पर्यटक आते हैं और काफ़ी ओपन हिस्सा है और उनको गर्मी से दिक्कत होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके लिए वहाँ पे विशेष रूप से 2 अलग से क्लिनिक बनाई गई हैं, जिसमें मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ दिया गया है, एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, साथ में IHELP के माध्यम से भी लोगों को तत्काल चिकित्सा उपचार पहुँचाया जा रहा है। जहाँ आवश्यकता हो रही है हमारी टीमें हाई अलर्ट में हैं, लोगों को प्रचार प्रसार के माध्यम से बताया जा रहा है। अभी तक विगत दिनों में जो हमारा एक UDSP पोर्टल है उसके माध्यम से चिकित्सालयों से हम लोग लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इस पे पूरी तरह निगाह रखे हुए हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर हीट वेव या लू से ग्रसित हो तो उसको तत्काल उसके बारे में हम लोग को जानकारी मिल पाए और हम लोग रोकथाम के साथ उसका उपचार। आम जनमानस के किस तरह की अपील की जाती है कि भीषण गर्मी है, अगर कोई स्वास्थ्य बिगड़ता है तो तत्काल संपर्क किया जाए, टीम भी बनाई है, उनको प्रशिक्षण भी दिया गया, किस तरह का प्रशिक्षण दिया गया? देखिए, इसमें 2-4 जो हमारे पूर्व से प्रचार प्रसार जैसे हैंडबिल्स, पोस्टर और हमारी छोटी छोटी फिल्में भी चल रही हैं, इन माध्यम से लगातार लोगों को ये बताया जा रहा है कि ज़्यादा गर्मी में बाहर ज़्यादा देर तक ना एक्सपोज हो, विशेष तौर से दोपहर में आवश्यक हो तभी निकले और अगर निकलना अत्यंत आवश्यक हो तो पूरे कपड़े पहने, छत पे सर पे कोई छाया रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पेय पदार्थों का इस्तेमाल करें और ये किसी